दोस्तों, ये है कठिन रास्ता बद्री विशाल के धाम जाने का। बहुत ही दोस्तों, ये देख सकते हो आप, फिसलन भरा रास्ता और पूरा बर्फ में रास्ता, और हमको ये रास्ते से जाना है। इधर तो जिधर जंगल दिख रहा है इसके भी ऊपर, तो अभी बहुत दूर है भविष्य बद्री में। बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए बहुत ज्यादा स्नो है दोस्तों। हम जा रहे हैं विंटर में, पहली बार आप देखेंगे YouTube में विंटर में बद्री विशाल धाम के उस धाम में, बद्री नारायण के उस धाम में, जहां जिनको भविष्य का बद्रीनाथ कहा जाता है। हाँ जी, हम जा रहे हैं इस झाड़ू में भविष्य बद्री। पहली बार आप झाड़ू में देखेंगे कोई बद्री विशाल के दर्शन कर रहा है, और वो भी इतनी कठिन परिस्थितियों में, चारों तरफ स्नो से कवर, और चलना यहाँ पर बहुत ही मुश्किल है। एक एक कदम चलना यहाँ पर बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि चारों तरफ है बर्फ ही बर्फ। स्वागत है आपका बद्रीनाथ के इस पावन धरती से। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मैं हूँ नीरज और आपका स्वागत करता हूँ देवभूमि के इस खूबसूरत पहाड़ों से। और अभी मैं हूँ बद्रीनाथ जी के इस खूबसूरत से धरती पे। दोस्तों, आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ भविष्य बद्री, जिनको बद्री विशाल का भविष्य का धाम कहा जाता है। जब कलयुग के अंत में बद्रीनाथ बंद हो जाएगा, तो यहीं पर बद्री विशाल के दर्शन होंगे। बद्री विशाल यहीं पर अवतार लेंगे और उनकी पूजा यहीं पर होगी। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ में, मैं लेके जा रहा हूँ आपको इस विंटर में। पहली बार कोई आपको दिखाएगा भविष्य बद्री, जो बहुत ही खूबसूरत मंदिर है और बहुत ही दुरस्त एरिया में है, और यहाँ पर आना बहुत ही कठिन है। तो दोस्तों, मेरे पीछे आप देख सकते हो, यहाँ पर इतनी ज़्यादा स्नो है कि यहाँ पर चलना भी मुश्किल हो रहा है। दोस्तों, कुछ ही देर में मैं पहुँचने वाला हूँ भविष्य बद्री। बहुत ही कठिन ये यात्रा है, झाड़ू में इतनी ज़्यादा स्नो है यहाँ पर, तो आप देख सकते हो कि चारों तरफ स्नो ही स्नो है। और मैं निकल पड़ा हूँ भविष्य बद्री के लिए। आप झाड़ू में पहली ऐसी वीडियो देखेंगे भविष्य बद्री की, जो आपको दिखाई गई वीडियो में आपको ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी। इतनी ज़्यादा स्नो में आप देख सकते हो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, और एक से डेढ़ फीट, और चलना भी यहाँ पर बहुत मुश्किल हो रहा है। दोस्तों, बस आप बने रहिए हमारे साथ में, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे चलते हैं भविष्य बद्री की तरफ। दोस्तों, मुझे लगता है बस हम पहुंच गए हैं, क्योंकि पहली बार यहां पर आ रहे हैं, और दूर दूर तक यहां पर कोई इंसान भी नहीं है। और मैं आपको कराता हूं बद्री नारायण के इस झाड़ू में पहले दर्शन। ये रहा बद्री विशाल का वो धाम, जहां पर बद्री नारायण भविष्य में यहीं पर विराजमान होने वाले हैं। मैं पहुंच चुका हूं बद्री विशाल के धाम। सभी बोलेंगे जय बद्री विशाल, जय बद्री नारायण। बहुत ही खुशी हो रही है दोस्तों, मजा आ गया आज यहां पहुंच के, वो भी झाड़ू में। कठिनाई बहुत होती है, पर मजा भी बहुत आता है ऐसे धामों के दर्शन करके। हाँ हाँ,
यहाँ से नंदा देवी की स्पष्ट चोटी दिखती है। हाँ दिखती है, हाँ हाँ, इसके पीछे काला बादल से छाया है। और वही मतलब वो पहाड़ है जहाँ पर नंदा देवी का वो मंदिर है ना। हाँ, राज जाती है। 2014 में हुई थी तो मैं भी गया था उसमें। यहाँ पर खींचोगे ना ये मैदान में, हाँ, ये सीन देख के तो लोग वैसे पागल हो जाएंगे। हाँ। चलो मुझे भी। हाँ, वो तो मेरे क्या थोड़ा क्योंकि महात्माओं से अपनी कोई भी समस्या छुपाओगे ना, हाँ, तो उसका हल नहीं निकलेगा। वही वही, और उनको बताओगे ये तो देखिए भौसी बद्री के इतना खूबसूरत नज़ारा, और उतने अच्छे महाराज जी हैं यहाँ पर हिमालय में। ऐसे साधु का मिलना आज के टाइम में बहुत ही मुश्किल है। बस कुछ ही साधु हैं जो हिमालय में ऐसे कहीं नहीं जाते, यहीं पड़े रहते बारों में, बर्फ में तपस्या करते हैं। दोस्तों देखिए कितना बर्फ है, 12 महीने ये महाराज जी यहीं पर तपस्या में लीन रहते हैं। ये देखिए, मुझे त्यागी जी महाराज कहते हैं इस क्षेत्र में। ये त्यागी जी महाराज हैं। और जैसे किसी को रात हो जाए रहने खाने के लिए भी यहाँ पर महाराज जी के आश्रम में आप रात्रि विश्राम कर सकते हैं, रुक सकते हैं, यहाँ पर आ सकते हैं। महाराज जी यहाँ पर बहुत अच्छी सेवा देते हैं। हाँ भगत जी, ये है नज़ारा, कैमरे में कैद करके ले जाओ, लोग पीछे पीछे घूमते थे कहाँ से लाए। ये देखिए दो, ये देखिए दोस्तों बद्री नारायण का, भविष्य बद्री का ये धाम जहाँ पर नारायण भगवान अवतार ले चुके हैं और उनकी सेवा कर रहे हैं ये महाराज जी, त्यागी महाराज जी। और आप यहाँ का नहीं, एक महाराज और भी है, खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हो। अभी मेन पुजारी वही है, देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर दृश्य है दोस्तों। और ये जो खूबसूरत है व्यू है ना इस धाम का, उसको सिर्फ आंखों में हम कैप्चर कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत। अब मैं आपको जगह बता दूं, ये पेड़ खड़ा दिख रहा है ना ये, हाँ, इस पेड़ से थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा ऊपर जाके, हाँ, यहाँ पर 4-5 पेड़ बिल्कुल सफेद टाइप के दिख रहे हैं, हाँ, उसी के ठीक नीचे में मंदिर है, वहीं पर बिल्कुल वहीं पर नीचे में मंदिर। अच्छा, है अच्छा। तब तक आप इसमें फोटो खींच के, हाँ। हम पहुंचने वाले हैं भविष्य बद्री और भगवान की तरफ पहुंचने का रास्ता इतना आसान नहीं होता है, आप सभी को पता है। तो देखिए इतनी ज़्यादा बर्फ से होते हुए हम लोग निकल रहे हैं आगे की तरफ और भगवान नारायण के दर्शन के लिए, जहाँ पे दोस्तों भगवान नारायण की पत्थर पे प्रतिमा उत्पन्न हो रही है। विंटर में हम दर्शन करा रहे हैं आपको बद्री विशाल महाराज जी के एक धाम भविष्य बद्री के, जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नो है। आप देख सकते हो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है और यहाँ पर चलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और खतरनाक है। ये देखिए दोस्तों कितनी कठिन ही हमारी यात्रा हो रही है। गिर चुका हूँ मैं दोस्तों बुरी तरह से। आओ यार, हम पहुँच चुके हैं बद्री विशाल के वो पवित्र धाम जिसको भविष्य बद्री कहा जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पर झाड़ू में आना कितना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर बर्फ है। देखिए दोस्तों हम पहुँच चुके हैं बद्री विशाल के पवित्र धाम।
पहुंच चुके हैं हम बद्री। जय बद्री साहब।